वैशाली ठक्कर ने 16 अक्टूबर को इंदौर स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि एक्ट्रेस ने अपनी मौत से पहले एक नोट लिखा था जिसे पुलिस ने जब्त किया है, साथ ही उनकी डायरी भी कब्जे में ले ली है। वैशाली के सुसाइड नोट में क्या लिखा है अब इसकी कुछ जानकारी सामने आई है। इनमें उन्होंने राहुल नवलानी और उनकी पत्नी दिशा नवलानी पर मेंटली टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, माँ पापा बस ना, बहुत परेशान हो लिए आप लोग भी मेरे लिए और मैं भी खुद के लिए। सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैंने 2 सालों में क्या जंग लड़ी है। राहुल नवलानी ने मेरे साथ क्या क्या गलत किया है मैं बता भी नहीं सकती। किस तरह मेरा शोषण किया है, इमोशनली फिजिकली अब्यूज किया, और फाइनली उसने जो कहा था कि मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगा उसने वह किया। अब बेटी नहीं रहेगी तो इससे जुड़ी परेशानियां भी नहीं रहेगी। मैं जा रही हूँ माँ, लव यू पापा माँ, मुझे माफ करना, मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। राहुल और दिशा ने मुझे 2 साल से मेंटली टॉर्चर किया, प्लीज राहुल और उनकी फैमिली को सजा दिलवाना वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपको मेरी कसम, खुश रहना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मितेश को भी सॉरी बोलना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैशाली इस साल दिसंबर में कैलिफोर्निया के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ शादी के बंधन में बनने वाली थी जिसके लिए वह तैयारियां भी करने लगी थी। हालांकि इसके पहले ही वह दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। फिलहाल अब पुलिस को राहुल नवलानी की तलाश है, तो अब देखना होगा कि इस मामले में आखिरकार क्या होता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।